हॉलीवुड की टीवी रियलिटी स्टार किम कार्दशियां को पेरिस के होटल रूम में बंदूक दिखाकर दो लोगों ने बंधक बना लिया। पेरिस पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्दशियां के साथ एक लूट की घटना हुई, जिसमें लुटेरे लाखों डॉलर के जेवर लूटकर ले गए। पुलिस अफसरों की तरह कपड़े पहने दो नकाबपोश हथियारों के साथ रविवार रात होटल के कमरे में घुस आए। किम के प्रतिनिधि का कहना है कि किम इस घटना से बुरी तरह व्यथित है, लेकिन शारीरिक तौर पर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किम फैशन वीक के सिलसिले में पेरिस गई थी। उन्होंने रविवार शाम को ग्वेंची का शो अटेंड किया। पिछले हफ्ते भी किम पर एक सोशल सेलिब्रिटी अटैकर ने एक रेस्टोरेंट में घुसते समय हमला करने की कोशिश की थी। 2014 में पेरिस फैशन वीक के बाहर भी किम पर हमला हो चुका है। गनीमत रही कि दोनों हमलों में उन्हें चोट नहीं पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त किम के साथ यह हादसा हुआ, तब उनके पति कान्ये वेस्ट उस वक्त एक शो में परफॉर्म कर रहे थे। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।